मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, हिंदू राष्ट्र बने तो ही विश्व जगेगा, मानवता पर विश्वास जगेगा, भेदभावना तमस हटेगा, समरसता का अमृत बरसेगा। हिंदू राष्ट्र बने तो ही विश्व जगेगा। हिंदू सदा से विश्व बंधु है, मिथ्या से नाता तोड़ा है, मानव पशु तरु गिरि सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है। सर्वम खलविदम ब्रह्म का उद्घोष किया है, जो चाहे जिस पथ से आए, ऋतंभरा प्रज्ञा का जगमग पाएगा, सच्चिदानंदमय से प्रकाशित परिप्रेक्ष पाएगा। जो चाहे जिस पथ से आए, हिंदू राष्ट्र बने तो ही विश्व जगेगा। इस पावन हिंदुत्व सुधा की रक्षा प्राणों से करनी है, जगती तल को ब्राह्मी शिक्षा निज जीवन से सिखलानी है। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, लाओत्से या कन्फ्यूशियस के शिष्य संजू नामक एक राजनीतिक दार्शनिक ने कहा था, यदि तुम अपने जानी दुश्मनों को नहीं पहचानते, मित्रों के विषय में निसंदेह नहीं हो पाते, तो सैकड़ों युद्ध जीत कर भी हारे हुए ही रहोगे। यही कारण है कि हम पाकिस्तान से, चीन से बार बार युद्ध जीत कर भी हारे हुए जैसे ही रहते आए 75 वर्षों से। इन 75 वर्षों तक हमने भाईचारे का, विश्वास जीतने का, आरक्षण का, पुष्टिकरण का वो गेम खेला कि हमने गद्दार, झूठ का मौलाना, गांधी को महात्मा और थुस्सू रहमान बाई और मोइनुद्दीन उर्फ मोतीलाल बना के, उसके बेटे जवाहर मियाँ को पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाकर देश की बागडोर उस भयंकर खतरनाक शत्रु के हाथों सौंप दी। पीढ़ी दर पीढ़ी, चार पीढ़ियों तक उसका कुनबा जूतों तले हिंदू समाज को दबाए रखा। उसने वो सब किया जो एक ज्ञानी दुश्मन शत्रुओं को खात्मा सदा के लेकर देने को सदैव तत्पर रहता है। नष्ट तो न कर सका, पर सारे कानून, संविधान, न्यायपालिका मुस्लिमों के पृष्ठ पोषण पुष्टिकरण में लगा दिए। यही भारत की वर्तमान दुर्दशा का मुख्य कारण है। आज हमें हिंदू राष्ट्र का गठन करना है तो लाजिमी हो जाता है कि दुश्मनों को पहचाने, सावधान हो जाएं। हिंदू राष्ट्र के मुख्य चार जानी दुश्मन हैं, उन्हें मैं क्रमशः आपके समक्ष उजागर करता हूँ। पिछले प्रवचन में हमने परम सुहृद यानी स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, योगी अरविंद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, करपात्री स्वामी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, मदन मोहन मालवीय जी के परिप्रेक्ष्य में हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर चर्चा की थी। आज हम गांधी और थुस्सू रहमान बाई और मोइनुद्दीन यानी मोतीलाल के बेटे मियाँ जवाहर खां उर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेसी गांधीवादी अवधारणा से अवगत कराएंगे, जो मियाँ के राजनीति पर हावी होने के साथ साथ इस झूठ को तरीके से पाल पोस कर विशाल विश्व वृक्ष के रूप में खड़ा किया, आज देश का महामुसीबत बना हुआ है। तीन देश कटकर, भारत से तीन देश कटकर इस्लामी राष्ट्र बन गया। जो बचा था वह भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। गांधी के कारण सुभाष बाबू को स्वदेश छोड़कर विदेशों में अपनी देश सेवा की भूमि तलाशनी पड़ी। गांधी के ही कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुमत से प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने पर भी उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया और भयंकर रूप से अयोग्य नेहरू को प्रधानमंत्री पद पर स्थापित कर दिया गया। नेहरू और उसके कुनबे वालों की इसी मानसिकता के तहत हिंदू मंदिरों पर अतिक्रमण, लूट, टैक्स की तलवार अभी तक लटक रही है, जबकि हिंसा, अपराध, व्यभिचार जिनकी आदत है, उन ईसाई मुस्लिमों के इबादत गाहों पर कोई टैक्स नहीं लगता। इन्हीं नीतियों के तहत हिंदू द्रोह, हिंदू द्वेष, हिंदुत्व विनाश शिक्षा के पाठ्यक्रम का अपरिहार्य अंश हो गया
और धड़ल्ले से हिंदू और हिंदू शास्त्रों का अध्ययन त्याग, अपने संत महात्माओं और ब्राह्मणों और परिपक्वता के प्रतीक वयोवृद्धों का अपमान और आधुनिकता का परिचायक हो गया और एडवांस्ड होने के नाम पर माता पिताओं को वृद्धाश्रमों में फेंकने की प्रथा चल पड़ी। शराब मांस का सेवन बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट जजों ने भी नेहरू प्रेरित हिंदू द्रोह में हिंदुओं के विरुद्ध अनाप शनाप फैसले देने शुरू कर दिए। नेहरू के मरने के बाद उसकी बेटी फरजाना बेगम उर्फ इंदिरा गांधी ने देश के प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कराकर खुद प्रधानमंत्री बन बैठी और हिंदुओं के लिए परिवार नियोजन, एक विवाह, दो बच्चे, अन्य 7 साल कारावास, पर मुल्लों के लिए 4 विवाह, दर्जनों बच्चे कानूनी हो गए। देश की आबादी पर दंगेबाजों की संख्या धड़ल्ले से बढ़ी और भयावह हो चली। हिंदुओं को कमजोर करने वाले, परस्पर फूट डालने वाले अपमान जनित नीतियां बनाई गई। सर्वधर्म संभाव, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म का गलत अर्थ प्रसारित कर हिंदुओं को कन्फ्यूज कर दिया गया। नेहरू की इन्हीं नीतियों के कारण सर्वधर्म संभाव के अंतर्गत विदेशी हिंदू द्रोही भारत विनाशी संस्कृतियों को अपनी भारतीय संस्कृति का अंग मानने का सिद्धांत चल पड़ा, जिसमें सेकुलरिस्ट फिरके वालों ने अंधों की तरह अंधाधुंध भाग लिया और अपने पैरों पर करोड़ों कुल्हाड़ियाँ चलाई और अभी भी चला रहे हैं। क्योंकि सनातन हिंदू धर्म ही भारत की प्राचीनतम संस्कृति और धर्म है, अतः उसका होना, जीवित रहना, उसका अस्तित्व अन्य समुदायों, फिरकों, कौमों के लिए धमकी भरा चुनौती है। नेहरू ने प्रसारित किया, अतः उसे नीचा दिखाना, धिक्कार करना, उनके सोशल डिस्टेंसिंग को छुआछूत नाम देना, जात पात को निकृष्ट नाम देना, कुसंस्कार घोषित करना, मंदिर गुरुकुल विरोध, योग वेदांत के विरुद्ध पुस्तकें कम्युनिस्टों से लिखवाकर कांग्रेसियों द्वारा शुरू हो गया, जिन्हें चुनाव जीतते ही बंद कराना मोदी का प्रथम कर्तव्य था, उसे आज 7 वर्षों तक नहीं किया। जो किया अत्यंत धीमी गति से किया। पुराने हिंदू द्रोह में क्षिप्तता की सीमा छूने वाले नेता और अफसरों को नहीं निकाला, नहीं सस्पेंड किया, इसीलिए भ्रष्टाचार अभी भी जारी है। हालांकि अरेस्ट किया जाता है भ्रष्टाचारों को, उन्हें सजा भी होती है, लेकिन अंदरूनी स्तर पर चला ही जा रहा है, जिसे कोई कहना नहीं चाहता। जीवन की सुविधा के लिए सब चलाए ही जा रहे हैं, इसका कारण यही है। तो किसी ने पोस्ट भेजा है, एक मुस्लिम जज 3 शादी कर 7 बच्चे पैदा कर चुका है और हिंदू को दूसरी शादी पर और तीसरे बच्चे पर 7 साल की सजा सुनाता है, इसी को भारतीय संविधान कहते हैं। सो स्पष्ट देखिए भारत के संविधान निर्माता की धूर्त बुद्धि। शिया सुन्नी आदि 70 फिरके वाले मुस्लिमों को केवल मुस्लिम लिखता है। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट आदि 444 फिरके वाले ईसाइयों को केवल ईसाई लिखता है, पर हिंदुओं को केवल हिंदू न लिखकर उन्हें जाट, राजपूत, पटेल, दलित, ठाकुर, ब्राह्मण आदि लिखता है, ताकि हिंदू एकजुट न हो सकें, भारत देश पर अपना अधिकार न जता सकें। नेहरू ब्रांड राष्ट्रवाद को ही उसकी बेटी ने सेकुलरिज्म नाम से बढ़ावा दिया। भारतीय इतिहास को समन्वय का इतिहास कहकर उसे जनता की रोजी रोटी से उसके पेट से जोड़ दिया। इससे भारी संख्या में हिंदू मानस पथभ्रष्ट हो गया। समन्वयवादी इतिहास हमें बरगलाता है कि इस्लाम, ईसाइयत, लिबरलिज्म, नक्सलिज्म, अर्बनिज्म, लेफ्टिज्म, कम्युनिज्म थोपने को मुगल पादरी या लिबरल्स, जो पहले मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट कहलाते थे, अपने फिरके के सिद्धांतों के प्रचार के लिए जो बर्बर अत्याचार, बलात्कार, शोषण, लूटपाट, रक्तपात किए, उनकी अनदेखी करो। इंक्विजिशन जो हुए भयंकर जल्लादी अत्याचार हिंदुओं पर ईसाई बनने के लिए, और जिहाद मुसलमानों के द्वारा जो हुए,
जिनकी लपेट में सिखों के गुरु लोग आ गए। जिहाद क्रूसेड को कुछ नवाबों तो नेहरू ने अपने नीति में बताया कि इन जिहाद और क्रूसेड और इंक्विजिशन को कुछ नवाबों सुल्तानों और फादरों का व्यक्तिगत हैवानियत है, निजी दुराचार है, निजी गुर्ता है, ऐसा समझो, ऐसा इतिहास में लिखवाया। सो जो विदेशी आक्रांता आए, धीरे धीरे बसते गए, आपस में घुलते मिलते गए, राष्ट्र बनता गया, ऐसा लिखवाया। नई सभ्यता संस्कृति बनती गई, धर्म बनते गए, ऐसा लिखवाया। कोई भी ओरिजिनल मूलभूत धर्म नहीं, सब मिलीजुली कंपोजिट कल्चर है। ये बातें कांगी सेकुलरों ने सभी शिक्षितों के ब्रेन में ठूंस मारा और राष्ट्रत्व के इस वैकल्पिक धारणा में, जिसमें हिंदू एक समुदाय मात्र है, राष्ट्र नहीं, इसी भ्रांत धारणा से जुड़कर आरएसएस चीफ मोहन भागवत आजकल एजेंडा चला रहा है। उसका शागिर्द इंद्रेश 1,00,000 हिंदू युवतियों को मुल्लों से शादी कराकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। और मोहन भागवत बोलता है कि मुस्लिमों के बिना हिंदू का अस्तित्व नहीं, जिसका विरोध भारत के विराधु नरसिंहानंद सरस्वती कर रहे हैं, लेकिन सुन नहीं रहे हैं। मोदी भी कानों में तेल डाले वहां पड़ा हुआ है। मोदी इज इलेक्टेड पीएम बाय द हिंदू, इन दोनों को अरेस्ट कराना चाहिए था पर नहीं किया और भयंकर समस्या को मोल लिया। यह भविष्य के लिए विस्फोटक टाइम बम सेट हो गया है। इस भ्रांत राष्ट्र अवधारणा को चालू करने का मूल अपराधी मियां जवाहरलाल नेहरू ही है और अब के सारे सेकुलरवादी इन्हीं राष्ट्रघाती अपराधियों की श्रेणी में आते हैं। नेहरू के हिंदू द्रोह का मूल उसके अफगान मुस्लिम होने के जीन्स में है। कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला जिन्ना आदि उसी के भाई बंधुओं के वंशज हैं। नेहरू का हिंदुत्व के प्रति द्वेष 1951 के लखनऊ के भाषण से स्पष्ट होता है। वह कहता है, हिंदू धर्म की विचारधारा वर्तमान युग के लिए बिल्कुल अयोग्य है, इससे भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। 1949 में फर्रुखाबाद में कहा था, हिंदू संस्कृति की बातें करना भारत के लिए घातक होगा। 1953 में कैलाश काटजू को लिखा, भारतीय हिंदू किसी भी देश धर्म के व्यक्ति से अधिक संकीर्ण और असहिष्णु है। 1947 में कहा था, जब तक मैं पीएम हूँ हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। उसने यह भी कहा था, मैं शिक्षा से अंग्रेज हूँ, विचारों से मुस्लिम, दुर्घटनावश हिंदू हूँ। एक्चुअली उसे कहना चाहिए था, मैं जन्मजात मुस्लिम हूँ, सत्ता के लिए देश हड़पने के साजिश के तहत मुझे हिंदू नाम रखना पड़ा है, ऐसा कहना चाहिए था यदि वह ईमानदार होता तो। इस प्रकार नेहरू में हिंदू धर्म संस्कृति समाज सभी के प्रति घोर विद्वेष घृणा थी, जो समय समय पर प्रकट होता जाता था, जिसे कांग्रेसी और गद्दार मीडिया छिपा जाया करती थी। भारत में गौ रक्षा का घोर विरोधी भी नेहरू ही था, वह गौ मांस भक्षी भी था। बेवकूफ कवि हरिवंश राय बच्चन को विदेश यात्राओं में भेजकर उसकी सुंदरी पत्नी को प्रधानमंत्री आवास के अपने हरम में डलवा जाता और भोगता था, उसी से अमिताभ बच्चन एक गद्दार पैदा हुआ। माउंट बेटन की बीबी से लेकर सुधा माता के साथ यौन संसर्ग की लंबी लिस्ट है, जबकि गांधी बुढ़ापे के कारण 7-8 युवतियों तक ही सीमित रहा। अब हमारे सामने हिंदू राष्ट्र की दो धारणाएं हैं, एक तो स्वामी विवेकानंद, सुभाष, अरविंद आदि समस्त क्रांतिकारियों की, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लाखों की संख्या में जीवन बलिदान किया। इन हमारे मनीषियों द्वारा दी गई परिभाषा अनुसार हिंदू धर्म समस्त मानवता का आदि धर्म है। हिंदू संस्कृति राष्ट्रीय जीवन का बीज मंत्र है, इसी के अवलंबन से देश बचा रहेगा। न केवल भारत बल्कि संसार का प्रत्येक देश हिंदू धर्म के स्वीकार से सर्वोपम सुखद और समृद्ध बन सकता है, अन्यथा बिखर जाएगा, सीरिया या अफगानिस्तान जैसे नर्क में तब्दील हो जाएगा, जिसके 23,00,000 क्रांतिकारियों ने, इवन नारियों ने, जो देश रक्षार्थ जीवन का बलिदान दिया है, वह भारत देश विश्व में
न केवल सहनशीलता वरन शौर्य तत्व ज्ञान ऐश्वर्य में भी वरेण्य रहा। जब तक देश हिंदू रहा तब तक परमकार नेहरू कहता है हिंदू संस्कृति की बातें भी घातक है। इसके साथ ही उसने अनेक सफेद झूठ गढ़ के सेकुलरों को रटवाए। सो उसी ने कम्युनिस्टों को इंस्ट्रक्शन देकर कई महान नाम इतिहास से गायब करा दिए, जैसे कोडवाल्स। डिस्पाइट बीइंग आउटनंबर्ड 1.3, कोडवाल्स डिफीटेड टीपू सुल्तान 31 टाइम्स। दैट्स व्हाई कोडवाल्स आर थ्रोन आउट फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री बाय कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस। नेक्स्ट इज अहोम्स। अहोम्स पीपल डिफेंडेड आसाम, डिफीटिंग मुगल्स 17 टाइम्स। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई अहोम्स आर नॉट इन अवर हिस्ट्री बुक्स। ग्रेट किंग विक्रमादित्य कांकर्ड ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू मिडिल ईस्ट टू साउथ यूरोप टू स्पेन। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई सम्राट विक्रमादित्य इज नॉट इन अवर हिस्ट्री बुक्स। सो माई डियर फ्रेंड्स, नेहरू ने इस तरह अनेक सफेद झूठ गढ़ के सेकुलरों को रटवाए। जैसे दो गोली लगने पर गांधी है राम कहकर मरे। गांधी तो गोली लगते ही एक्चुअली द ट्रूथ इज गांधी तो गोली लगते ही धड़ाम से पछाड़ खा के गिरा मर गया। और उसके स्लीपिंग पार्टनर्स लड़कियां जो थी वो साथ थी और डर के भागी। सच्चाई यह है कि उस जैसे भारी धोखेबाज झूठों का पुलिंदा युवतीबाज पापी के मुख से राम नाम निकल ही नहीं सकता। वह भी मरते समय राम नाम किसके मुंह से निकलता है? जिसका राम नाम जप का अभ्यास होता है जीवन भर उसी के मुख से अंतकाल में राम नाम निकल सकता है। दूसरा झूठ जो नेहरू ने रटवाया सेकुलरों को कि नेहरू बच्चों के चाचा थे, उनसे बड़ा प्यार करते थे। नेहरू बच्चों से घृणा करते थे, सच ये है। सुंदर विदेशी बिंदास युवती देख उनके मुंह से प्यार भरी लार टपकते थे या सुंदरी युवतियों से नेहरू प्यार करते थे। और यदि विदेशी हो तो और भी द बेस्ट है। उसे अपने प्रधानमंत्री आवास के हरम में ठूंस डालने को स्कीमिंग करने में ऐसे लवलीन हो जाते थे मानो ओशो वाली समाधि लग गई हो। तीसरा झूठ उन्होंने रटवाया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। यह भी बहुत घोर झूठ। असल में मजहब फिरके कट्टरपंथ रिलीजन ही सिखाते हैं आपस में बैर करना। इंक्विजिशन जिहाद क्रूसेड दंगे फसाद मजहबी उन्मादी ईसाई मुस्लिम ही करते फिरते हैं। उनके सारे पंथ यही करते फिरते हैं जिससे आज सारा विश्व परेशान है। धर्म एक ही है। धर्म ही एक ऐसा है जो सच्चा प्रेम करना सिखाता है और धर्म एकमात्र हिंदू धर्म ही है। अन्य कोई भी धर्म नहीं कहलाता, सब रिलीजन ही है। बौद्ध और जैन पूर्व में उसके अंग हैं और जरोस्ट्रियनिज्म जो पारसी हैं और सिख हैं वो पश्चिम के अंग हैं हिंदू धर्म के। सो चौथा है मुस्लिम ईसाई कम्युनिस्ट सेकुलर सब आपस में भाई भाई। ये भी नितांत झूठ। कुरान बाइबल कैपिटल में साफ लिखा है अपने फिरके के बाहर वालों को कत्ल करना, बलात्कार करना, धोखाधड़ी लूट, उनके साथ चोरी ठगी करना खुदा के इबादत के बराबर है। अतः भाई भाई नहीं हो सकते। वर्ल्ड ब्रदरहुड की शिक्षा तो केवल हिंदू धर्म ग्रंथों में ही मिलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः हिंदू धर्म के उपनिषदों में ही ये शिक्षा मिलती है। और फिरके वालों में तो मार काट करना ही उनका कर्तव्य बताया है फिरके, अब उस फिरके के बाहर वालों के साथ। सो
गंगा यमुना तहजीब एक महाझूठ है जिसके द्वारा साहित्यिक काम्यात्मक प्रकार से हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर उनसे तालमेल जोड़कर फिर बाद में